पांच दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो मेरे पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती कार खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने कार की चाबी हाथ में थमाकर कहा, कल से तुम इस कार में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड, खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैं तहसीलदार साहब के गले लगकर लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है, सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए नई कार खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इन्होंने न जाने कितने गिफ्ट दिए, गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि ईएमआई तक पर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी जप्पी के बाद मैं अलग हुई तो कार का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी, लेकिन वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है, मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने, पति जवाब में बोला, क्या करना अब उस कबाड़ का, पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने, पत्नी बोली। एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो, पति ने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी, मेरी धड़कने बसती थी उसमें, मेरे पापा की एक लौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी की जगह पे नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये कार। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी, शोर सुनकर मेरी सांस भी दौड़ी दौड़ी बाहर आ गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं टूट कर रो पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है, तहसीलदार जो ठहरा, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत, और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है, वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास, उन्होंने रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बे इंतहा करते है, याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 7,000 में, यूं ही बेच दिया कि कार मिलने के बाद उसका क्या करोगी, तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं, अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो स्कूटी वापस लेने चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, शांत सी सोचने लगी, पति का भी क्या दोष था। हाँ, एक दो बार उन्होंने कहा था कि इसे बेच कर नहीं ले ले, मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं यही ठीक है, लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी, सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है, उसने तपाक से जो उत्तर दिया उसने मेरी जान ही निकाल ली थी, कितने की भी हो तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में जान नहीं रही थी, सब लड़कियां वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था, मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी, मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई, माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब है क्या। तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं है बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई, न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी, मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी ज्यादा खुशी में। फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला, साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो, मेरे पापा का अपना ऑटो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग जनजना उठा था, क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए ऑटो बेच दिया था। और 6 महीने से ऊपर हो गए
मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे में ही चले जाते थे। ऑटो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे, कैसे पता चलता बेच दिया है। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा आपने ऐसा क्यों किया, बस इतना ही मुंह से निकला, रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट, इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था। मैंने स्कूटी मांगी कब थी, क्यों किया आपने ऐसा। 6 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। पापा आपने कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए, मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई और दहाड़े मार कर रोने लगी। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया, दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी, एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी। मेरी स्कूटी मेरे पति देव यानी तहसीलदार साहब चलाकर ला रहे थे। मैं मन ही मन इतने अच्छे पिता और पति के लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।